तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार। तो भाई आज बात करने वाले हैं कुछ OTT प्लेटफॉर्म के शोज के हिंदी डब के अपडेट की, जहां अभी आने वाले टाइम में हमें कौन से शोज का हिंदी डब देखने मिलेगा और कौन सा शो हिंदी डब होके आने वाला है, सब चीजों की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करें जियो सिनेमा की, तो यार जियो सिनेमा अभी काफी सारे के ड्रामा को हिंदी में लेके आने वाला है, क्योंकि हमें तो पता ही है कि कोरियन ड्रामा को अभी कितना ज्यादा भाव मिल रहा है भारत के अंदर। तो जियो सिनेमा ने भी सोचा कि भाई मैं आखिर पीछे क्यों रहूं, और इसीलिए अब जियो सिनेमा के अगले स्लॉट में हमें काफी सारे कोरियन ड्रामा हिंदी में देखने मिलने वाले हैं। अभी फिलहाल इन शोज के नाम को रिवील तो नहीं किया गया है, पर ये बात पक्की है कि जियो सिनेमा 4-5 कोरियन शोज को हिंदी में लाने वाला है। अभी बात करें उन हॉलीवुड शोज की, जिनके बारे में बहुत टाइम से ये न्यूज आ रही है कि इन शोज को भी जियो सिनेमा हिंदी में लाने वाला है, जिसमें सबसे पहला नाम है पीसमेकर, जिसके हिंदी में आने का वेट काफी सारी जनता कर रही है। तो भाई इसको लेके तो बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं कि जियो सिनेमा इसको हिंदी डब करवा रहा है, पर अभी ये शो हमें कब तक डब होके मिलेगा इसका पता तो फिलहाल किसी को भी नहीं है, पर ये बात तो कंफर्म है कि हमें ये शो हिंदी में देखने मिलने ही वाला है। अभी बात करें सूट्स और यूफोरिया जैसे शोज की, जिसके हिंदी में आने को लेके जनता कब से इंतजार कर रही है। तो देखो यार अभी इस स्लॉट में हमें कुछ हॉलीवुड शोज भी हिंदी में देखने मिलने वाले हैं, जिसमें इन शोज का तो नहीं पर वेस्ट वर्ल्ड जैसे पॉपुलर शोज का नाम जरूर सुनने मिल रहा है। और क्योंकि जब HBO के शोज का हिंदी डब का बात स्टार्ट हुआ था, तब लीक पोस्ट में हमें सबसे पहला पोस्टर वेस्ट वर्ल्ड का ही देखने मिला था, और क्योंकि ये शो अभी तक हिंदी में नहीं आया है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमें इस बार ये शो देखने मिल सकता है। कुल मिला के इस बार के स्लॉट में हमें पीस मेकर, सूट्स और वेस्ट वर्ल्ड जैसे शोज हिंदी में देखने मिल सकते हैं, जिसके चांसेस फिलहाल बहुत ज्यादा है। और फिलहाल यूफोरिया का देखो कोई भी सीन क्लियर ही नहीं है, तो इसके हिंदी डब के लिए हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। अभी जियो सिनेमा अपने काफी सारे कंटेंट को पेंडिंग में ही डाल के रखा है, जिसमें कुछ हॉलीवुड मूवीज और कुछ तो जियो सिनेमा के ओरिजिनल मूवीज भी हैं, क्योंकि अभी जियो सिनेमा का मर्जर का सीन चालू है तो इनका प्लान भी उसमें चेंज हुआ ही होगा, जिसकी वजह से ये लोग अपने कंटेंट को पेंडिंग में डाल रहे हैं। तो जियो सिनेमा पे अभी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, पर हमें उसके लिए थोड़ा इंतजार तो करना ही होगा। जहाँ तक बताया जा रहा है कि मार्च के महीने में ये सब कुछ कम्प्लीट हो जाएगा और फिर धीरे धीरे हमें सारा कॉन्टेंट देखने मिलने लगेगा। तो भाई अभी बात करते हैं जी कैफे की, जो की हिंदी डब के खेल में कब का आ चुका है, पर इनके शो को सिर्फ TV पे रिलीज किया जाता है, जहाँ हमें ब्रेकिंग बैड जैसे शो का हिंदी डब देखने भी मिला है। अब क्योंकि ये शो बहुत ज्यादा पॉपुलर था तो इनका हिंदी वर्जन TV पे भी सक्सेसफुल हो गया, इसीलिए अब जी कैफे एक और शो को हिंदी में डब करवाने जा रहा है, जिसका नाम है बेटर कॉल सोल, जिसको लेके जी कैफे अब हिंट देना स्टार्ट कर चुका है, जैसे लास्ट टाइम इन्होंने ब्रेकिंग बैड का दिया था। वैसे अपने यहाँ इस शो का नाम भी शायद ही किसी ने सुना होगा, पर मैं सही बता रहा, ये शो बहुत खतरनाक है, और बाहर तो ये शो कितना ज्यादा पॉपुलर है इसका पता तुम इस बात से लगा सकते हो कि इसकी IMDB रेटिंग हमें 9 की देखने मिलती है। जी कैफे अभी उन खतरनाक शोज को ही हिंदी में ला रहा है, जिसके हिंदी में आने की कोई उम्मीद नहीं थी। अभी रिपोर्ट्स आ रही है कि ये शो हमें मार्च के लास्ट तक जी कैफे पे प्रीमियर होता हुआ देखने मिल सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं Apple TV+ की, तो भाई ये लोग भी अब अपने शोज को हिंदी में लेके आ रहे हैं, जहाँ मोनार्क सीरीज हमें हिंदी में देखने मिली है, पर इसके ही बाद सी सीरीज के हिंदी डब की भी मांग होने लगी, जिसके चांसेस तो है कि ये शो हिंदी में डब हो सकता है। पर क्योंकि Apple TV+ वाले हिंदी डब को 5.1 चैनल पे कराते हैं, तो इसमें अच्छे डबिंग आर्टिस्ट और अच्छा खासा पैसा भी लगता है, और यही कारण है कि इनका डबिंग हमें नेटफ्लिक्स के लेवल का देखने मिलता है और इसमें समय भी लगता है। पर सी सीरीज को लेके इन लोगों ने ऐसा कुछ खुल के तो नहीं बताया है, तो इसीलिए हमें इसके लिए थोड़ा और इंतजार तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद द क्राउडेड रूम करके एक शो है, जिसके हिंदी में आने की बात चल रही है, तो फिलहाल Apple TV+ भी हिंदी डब कराने में इंटरेस्ट ले रहा है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अभी तुम कमेंट्स में बताना कि तुम्हें कौन सा शो हिंदी में देखना है। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं तुमसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।